हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। आप लोग जानते हैं कि आने वाला 19 तारीख को मतदान है, चुनाव है, और ये चुनाव देश का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। ये बात को समझिए, आप अपना भविष्य चुनने जा रहे हो, देश का भविष्य चुनने जा रहे हो, और ये चुनाव केवल मीशा जी को जिताने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव किसी गठबंधन को या पार्टी को जिताने का नहीं है, बल्कि ये चुनाव है देश को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। और जो हम जैसे पिछड़े दलित भाई हैं, जिनको बाबा साहब ने, अंबेडकर ने आरक्षण देने का काम किया, उस आरक्षण को बचाने का काम करना है, और लालू जी को न्याय दिलाने का काम करना है। हो गया, सुनो, समय नहीं है, 6 बजे तक परमिशन है। बहुत बदमाशी कर रहा है सर, हम एयरपोर्ट पे बैठे रह जाते हैं एक दो घंटा। आ भाई परमिशन, तब हम उड़े। जान बुझ करके तंग कर रहा है सर। सुनो, अरे हो गया, सुनो तो बात सुनो। ये पहला ऐसा चुनाव है जिस चुनाव में आपके नेता, हमारे पिता लालू जी, शारीरिक तौर पे हम लोगों के साथ नहीं होंगे। है कि नहीं पहला चुनाव? तो सबों के कंधे पे जिम्मेदारी है कि नहीं है? लालू जी को कितना सताया जा रहा है, केस मुकदमा किया, जेल में भेजा, मेरे पिता बीमार हैं, अस्पताल में हैं, एक बेटा मिलने जाता है तो बीमार पिता से मिलने नहीं देता है। और सुनो, मेरे ऊपर मुकदमा है, मेरी बहन है, 7 बहनों पे मुकदमा है, मेरे भाई पे मुकदमा है, 7 बहन की शादी होगी तो 7 जीजा पे मुकदमा, 1 जीजा यहाँ बैठे हैं, इनके ऊपर भी ईडी, इनकम टैक्स सब पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? यो नहीं, हमार दीदी के जितने ससुराल वाले हैं, यानी लालू जी के समधन और समधी, उनके ऊपर मुकदमा, और समधन और समधनी के रिश्तेदारों पे मुकदमा। आप सोचिए, बीमार अवस्था में रांची में है, हम लोगों पर मुकदमा है, लेकिन ये आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन है जो लालू जी को अपने इरादे से डगमग होने नहीं दे रहा है। सामाजिक न्याय की लड़ाई, धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई, जो मेरा पिछड़ा भाई, दलित भाई, आरक्षण बढ़ाने की लड़ाई, संविधान को बचाने की लड़ाई, ना अपने सिद्धांत से, ना अपने विचार से, ना अपने नीति से, चाहे कितना भी लोगों ने जुल्म हमारे पिता लालू जी पर ढाया हो, लेकिन हमारे पिता ना डरने का नाम लिए, ना झुकने का नाम लिए, आपकी लड़ाई को बुलंदी के साथ वो लड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए सुनो, बाद में, पहले बात को समझिएगा, तब ना लड़िएगा, तब ना औरों को समझाइएगा, तो बात को सुना जाता है, समझा जाता है। ये भजपैया सब है ना, भजपैया वाला लोग के तो हमको मन में है, सुनो अच्छे से, फिर सुनते नहीं हो, सुना करो। ये भजपैया वाला, ये लोग जानता था कि अगर लालू जी अगर बाहर रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे गरीब का आरक्षण और संविधान को छेड़ सके। ये लोग जानता था कि लालू जी बाहर रहेंगे तो किसी का हिम्मत नहीं होगा संविधान और आरक्षण को छेड़छाड़ कर सके। यहाँ कोई भजपैया नहीं ना है? हाँ,
सुनो, होगा तो बोलेगा, हिम्मत है। अरे भजपैया रे, अगर कोई एक आध को होगा तो कान खोल लो, कान को साफ कर लो। ये जो चुनाव लड़ रहे हैं वो एक आध को भेजे रहते हैं, हम जानते हैं ना अच्छे से। पहले बोलते थे एगो नागनाथ है नीतीश कुमार, अब बीजेपी वाला सांपनाथ है। एगो नागनाथ एगो सांपनाथ, ये पता नहीं कौन सा नाथ वहां बन करके गए हैं। हमको तो कुछ नहीं कहना, लेकिन एक बात समझो, अगर कोई भजपैया यहाँ है, कान साफ कर लिया होगा अब तक, तो मेरा बात को सुने। अगर सोचता है कि लालू जी को साजिश के तहत जेल में बंद कर देंगे और अपने इरादे या मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे, तो ये गलत फहमी मत पालना। भले ही तुमने लालू जी को साजिश के तहत जेल में बंद किया हो, लेकिन ये मत बोलो लालू जी का बेटा यही खड़ा है। अगर हमारे गरीब को छेड़ोगे, आरक्षण को खत्म करोगे, भाई को भाई से लड़वाओगे, संविधान के बदले नागपुरिया कानून को लाओगे, तो अंजाम बुरा होगा। अगर बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है भजपैया, तो माँ का दूध पियो, तो आओ सामने मैदान में देखते हैं किसके हाथ में। ये भाजपा वाला लोग, ये लोग नारा लगाता था, हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार मोदी सरकार, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए खाते में मिलेगा, हर साल नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा, बिहार को स्पेशल पैकेज मिलेगा, स्मार्ट सिटी बन जाएगा, गंगा जी साफ हो जाएंगी, महंगाई कम हो जाएगा, गरीबी मिट जाएगा, किसानों का आय दुगुना हो जाएगा, किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। अरे मोदी जी, यहाँ सुनो, अरे सुनो ना, बात सुनो। कल है सुनने में आया कि ही आए थे, लिफ्ट में फंस गए थे, तो हमार पलटू चाचा कमिटी बना दिए, जांच कमिटी, कि जांच करो भाई काहे फंस गए थे। अरे पलटू चाचा, इसमें भी जांच बैठाने का जरूरत है, शरीरवा तो देख लेते हैं, पता चल जाता काहे ला लिफ्ट फंसा था। तो हमको तो तड़ी पार लोग के बारे में कुछ कहना नहीं, लेकिन एक बात समझिए, हम मुद्दे की बात करते हैं, हम गरीब की बात करते हैं, हम किसान की बात करते हैं, हम नौजवान की बात करते हैं, हम रोजगार दिलाने की बात करते हैं, हम महंगाई कम करने के बारे में बात करते हैं, हम देश में भाईचारा चाहते हैं, अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सकारात्मक राजनीति चाहते हैं, ताकि हमारा देश तरक्की कर सके। लेकिन मोदी जी के सामने ये मुद्दा ही नहीं है। आप बताओ, जितनी बात हम कहें मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है ना? तो मोदी जी क्या कहते हैं? नहीं 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 मित्रों, ये मुद्दा नहीं। मित्रों, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पाकिस्तान कश्मीर। अरे मोदी जी, हम तो सोचे थे आप बिहार आओगे तो इन सब चीज़ों के बारे में बोलोगे कि आपने 5 साल क्या गरीब के लिए किया, क्या किसान के लिए क्या किया, क्या रोजगार के लिए क्या किया, नौजवान के लिए क्या किया, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिया कि नहीं दिया। लेकिन यहाँ मोदी जी आते हैं और इतना गाली लालू जी को दिए, हमारे परिवार को दिए। क्या बोले मोदी जी? मोदी जी बोले कि कुछ लोग को हम जेल भेज दिए,
और कुछ लोग जो बेल में हैं उनको जेल में डालेंगे। अरे मोदी जी, हमको तो लगता था कि सबसे ज़्यादा आप डराते हमारे बाबूजी से, बीजेपी को सबसे ज़्यादा का डर तो उस शख्स का नाम है लालू प्रसाद। लेकिन जब ये बात बोले कि कुछ लोग को जेल भेज दिया, कुछ लोग बेल में हैं उनको जेल भेजेंगे, तब हमको लगा रे बाप रे, ये तो हमारे बाबूजी से डराते थे, अब हमरो से डराने लगे। तो आप सोचिए कि कितना डरा हुआ लोग है। प्रधानमंत्री का काम है, अरे प्रधानमंत्री जी आप तो हमारे पूरे खानदान का जांच करा रहे हो, लेकिन इनका बेटा जैसा 50,000 से 80 करोड़ कमा लेता है, अमित शाह का बेटा, उसका जांच क्यों नहीं होता? सृजन घोटाले का क्यों नहीं जांच होता? इस सृजन चोर सुशील मोदी है, इसका जांच क्यों नहीं होता है? उसकी बहन का, उसके भाई का क्यों नहीं जांच होता? ये जो सृजन चोर सुशील मोदी कपड़ा पे, साइकिल पे कपड़ा बेचने का काम करता था, अब इसका भाई आरके मोदी है, नाम याद रखिएगा आरके मोदी। अब पूरा देश में ऐसा कोई शहर नहीं जहां बड़ा बड़ा आशियाना बिल्डिंग नहीं बना रहा हो, कंपनी का नाम है आशियाना, समझ रहे हैं? सब आपका पैसा लूटा गया। और सुशील मोदी का भाई या बहन तबे तरक्की किया जब से ये उप मुख्यमंत्री बना। ये भारी बेईमान चोर लोग है। एक हमारे पलटू चाचा है, पलटू चाचा क्या कहते थे, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो भाजपा में मिल लगे, मिट्टी में मिलाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। अरे मिलाइएगा ना मिट्टी में, हाथ उठा के बोलिए। तो आप देखिएगा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे पलटू चाचा ने ठगा नहीं। बचपन में एक फिल्म देखे थे चाची 420, अभी लाइव एकदम रियल में फिल्म देख रहे हैं चाचा 420। आप देखिए क्या काम किए भैया, 4 साल में 4 सरकार बना, ऐसा कहीं हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं हुआ होगा, वो भी पूरी बहुमत के बाद। जिस राज्य में 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी, उस राज्य का विकास कैसे संभव है? तो हमारे पलटू चाचा ये को काम किए हैं, क्या किए? तो शराबबंदी। अब हाथ उठा करके सब बोलना कि शराब चालू है कि बंद है, अरे सारा हाथ उठा के बोले चालू है कि बंद है। होम डिलीवरी हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, फर्क इतना है, सुनो फर्क इतना है कि 200 रुपए का बोतल 1500 में मिल रहा है कि नहीं, महंगा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। अमीरवन साहब डेली सुबह शाम बड़का बड़का लोग चाप करके चखना के साथ खींच रहा है, और गरीब हमारा देखो ताड़ का पेड़ चढ़ जाएगा, लबनी लगा देगा तो जेल, फिर कराएगा बेल। अब अकेले कमाऊ परिवार में होगा तो उसका बीवी बच्चा कहाँ ले ले देने चलेगा, बेल करा, वकील के पास जाओ, थाना जाओ। अमीर को तो क्या है, कोई दिक्कत नहीं, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो देखो चाचा जो हैं वो पढ़ाई लिखाई किए इंजीनियरिंग का है ना, डिग्री उनके पास इंजीनियरिंग का है। बिहार में के विकास के लिए आप लोगों पे ध्यान देते, अगर इंजीनियरिंग दिमाग वहाँ लगाते तो बिहार की रूपरेखा अलग होती, लेकिन उनका इंजीनियरिंग दिमाग लगा है कि गलत तरीके से पैसा कैसे कमाया जाए। तो ये देखो नशा मुक्ति के लिए शराबबंदी उन्होंने नहीं कराई है, उन्होंने पैसा कमाने के लिए शराबबंदी कराई है। जो 200 रुपए का, जो 200 रुपए का बोतल अब 1500 में मिल रहा है, फर्क कितने का है, 1300 रुपए।
ये 1300 रुपए जो है पलटू चाचा के पॉकेट में जा रहा है। देखो कलाकारी देखो, कागज पे शराबबंदी बंद है लेकिन पीछे माफियाओं के साथ सेटिंग है और 200 का 1500 में बोतल बिकवा रहे हैं। अब पूरा कमीशन खोरी करने का काम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, हमको तो तरस, सबसे ज़्यादा हमदर्दी और तरस बिहार पुलिस से है। कोई पूछेगा क्यों, तो हम कहेंगे कि नीतीश चाचा ने बिहार पुलिस का हाथ को बांध दिया है। पुलिस का क्या काम होना चाहिए, बलात्कारी को पकड़ो, हत्यारों को पकड़ो, अपहरणकर्ताओं को पकड़ो, चोर चकारों को पकड़ो, तो बिहार का पुलिस कौन काम में लगल है? सुंगले चल रहा है, सुंगले चल रहा है, कौन शराब पिया है, कौन शराब पिया है, कौन शराब पिया है। सही बात है कि नहीं है? अरे हाथ उठा के बोले सही बात है कि नहीं। ये काम है तो आप बताओ, अपराध बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप बिहार का अपराधी मस्त है, क्योंकि बिहार का पुलिस शराबी को पकड़ के पस्त है। ये स्थिति बनी हुई है। और देखो, जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री सृजन चोर सुशील मोदी जैसा हो तो क्या होगा? याद है पितृपक्ष का महीना, ए अपराधी का अभी अपराध थोड़ा कम कर दीजिए फिर चालू रखिएगा, ऐसा उप मुख्यमंत्री देखा क्या? अब हमको तो नहीं पता किन से कंपेयर करना चाहिए, वो शब्द हम बोलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। अरे हम लोग तो सीमा का उल्लंघन नहीं ना करेंगे, आचार संहिता ना है, अकेले ना बिहार घूमना पड़ रहा है, कुछ बोल देंगे तो ये लोग तो मौके के तलाश में कि बैंड कर दे। तो ये गलती हम नहीं ना मौका देने वाले भाजपाइयन के, लेकिन मेरा भावना समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, बस इतना काफ़ी है। तो आप बताओ, ऐसा उप मुख्यमंत्री जो अपराधियों के सामने गिड़गिड़ाता हो, अपराध मत कीजिए, अपराध मत कीजिए, अरे अपराधियों को तो रगड़ करके पकड़ करके जेल में ठूसना चाहिए। सत्ता रौब से चलती है, तो ये लोग गिड़गिड़ा रहे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, बाद में छोड़िए। तो अपराधी का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप पुलिस का मनोबल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो देख लो बिहार की सरकार, एगो काम किए पलटू चाचा, बालू बंदी करा दे, सब मजदूरन के गरीब के पेट पर लात मारे हमारे पलटू चाचा, सबके रोजगार छीन लिए। पता नहीं कितना रात मजदूर का बाल बच्चा सब भूखे सोया होगा, लेकिन पलटू चाचा क्या कहते थे कि पहले माफिया लोग बेचता था, अब हम बेचेंगे। अब बताओ भाई, हम सवाल पूछेंगे, बालू सस्ता हुआ कि महंगा हुआ? तीन गुना चार गुना महंगा हुआ। तो असली माफिया कौन हुआ, बोलने की जरूरत है? तो आप देखिए, ये सरकार गरीब विरोधी सरकार है, और ये लड़ाई गरीब और अमीर की लड़ाई है, ये लड़ाई सच और झूठ की लड़ाई है, ये लड़ाई न्याय अन्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की लड़ाई है। और इस लड़ाई में चाहे जो भी वंचित शोषित समाज के हों, जो सामाजिक न्याय में, जो देश के संविधान में, जो भाईचारा में, धर्मनिरपेक्षता में जो लोग विश्वास करते हैं, सब लोग गोलबंद होकर के एक एक वोट जो है मीसा भारती जी को लालटेन पर बटन दबा करके आपको जिताने का काम कीजिए। तो लालू जी को न्याय दिलाना है ना? अरे दोनों हाथ उठा के ना बोला जाता, न्याय दिलाना है ना? तो न्याय तो तभी मिलेगा जब मीसा भारती जी को जिताइएगा। अरे एक बात समझिए, यहाँ ब्राज वगैरह बना था, हम लोगों का सरकार बनाया था, हम उस समय उप मुख्यमंत्री थे, कौन सा ब्राज था वो? हाँ सब जान रहे। तो इसमें रेखा पासवान जी जारी की है,
इन्होंने क्या क्या काम किया, हम लोगों ने क्या क्या काम किया, हर जगह बंटवाया जा रहा है। तो इसमें सारा जो जो काम हम लोग किए हैं, इसमें हर एक चीज़ की जानकारी है, आप लोगों को बंटवा दिया जाएगा। लेकिन देखिएगा भाई, कुछ लोग जो कहते थे कुट्टी काटने वाले हैं, कुट्टी काटने वाले, बात समझो, अरे इन लोगों का जांच होगा ना, दिल्ली बम्बई हैदराबाद कहाँ कहाँ निकलेगा, क्या क्या निकलेगा, वो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं। ये खाली इनकी राजनीति जो है दिखावटी है, बनावटी है और मिलावटी है। इन लोगों ने हमारे 15 साल को बदनाम करने का काम किया। चलिए अच्छा हुआ चले गए, जहाँ जाना था चले गए। लेकिन आज देख लीजिए, बालू बंदी हुआ, गुंगा बन करके, बहिड़ा बन करके बैठल रह गए, किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाएं, कोई मजदूर के लिए, पीड़ित के लिए आवाज़ नहीं उठाएं। हमारा संविधान को हटा दिया जा रहा है, बदल दिया जा रहा है, गरीब के आरक्षण को छीन लिया जा रहा है, और वो वहाँ जा करके मुंह में दही जमा करके बैठे हुए हैं। छोड़ो, गरीब का आरक्षण खत्म होता, खत्म होने दो, हमको भाजपा मंत्री बना ना दी। यही है, हम लोगों ने, हमारे पिता ने कितना सम्मान देने का काम किया, इसलिए फिर भी ये लोगों ने धोखा देने का काम किया। एक बात समझ जाइए, नीतीश कुमार जी ने जितना धोखा दिया है उससे ज़्यादा यहाँ के जो बीजेपी के प्रत्याशी है उन्होंने हम लोगों को धोखा देने का काम किया है। इसलिए सब लोग गोलबंद हो जाइए। और देखिए, जब पिताजी को जेल भेजा जा रहा था तो हम साथ में थे उनके। हंस मत होना, निराश दुखी जब भी हो गए तो सीधे अपने मालिकों के बीच चले जाना। आज हम अपने मालिकों के बीच, आप लोगों के बीच आए हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग न्याय करने का काम कीजिएगा। अब हमारे पिता इस चुनाव में हमारे साथ नहीं है, अब जो कुछ भी है आप ही लोग हमारा परिवार है, आप ही हैं हमारे, आप ही हमारे घर के हैं, और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि मीशा जी को भारी से भारी मतों से विजयी बनाने का काम करें। तो मेरे साथ नारा लगाइएगा, बुलंदी के साथ, मजबूती के साथ। देखें मसौरी की जनता की आवाज़ में कितना दम है, जो लोग बैठे हैं वो भी खड़े हो जाए, तो जाने का समय, दोनों हाथ उठा करके नारा लगाइएगा। हम बोलते हैं भाजपा भगाओ, सब आप लोग पकड़ लिए नहीं, एडवांस, तो हम बोलते हैं भाजपा भगाओ। पीछे से भी कौन, मोदी जी रोजगार दे दिए क्या जी, महंगाई कम कर दिए क्या, तो बोलिए हाथ उठा करके। बोलते इधर से भी नौजवान भाई, क्रिकेट चौपट, खेल कूद चौपट, सब चौपट हो गया इस राज्य में। इसलिए नारा लगाइएगा, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ, भाजपा भगाओ। देखो पिछड़े दलित भाई, मेरा मानना है कि मोदी जी अगर दोबारा आएंगे तो सरकारी नौकरी खत्म करके प्राइवेट के हाथों में दे देंगे, और पिछड़े और दलितों को तभी रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगा, जब आरक्षण बढ़ेगा। इसलिए हम बोलेंगे बेरोजगारी हटाओ, तो आप बोलेगा आरक्षण बढ़ाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ, बेरोजगारी हटाओ। एक और पलटू चाचा के लिए, जोरदार होना चाहिए। ये देखो भैया, मिसाइल के जमाने में तीर लेके घूमते हैं, का है, क्योंकि ये हर किसी को पीठ पे खंजर नहीं तीरे भोंकते हैं, समझे। तो अभी बिहार को छल्ली छल्ली कर दिया है, गरीब को बर्बाद कर दिया, इसलिए मेरे साथ नारा लगाइएगा, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ, तो आप बोलना बिहार बचाओ। अरे ठीक है ना, आवाज में दोनों हाथ उठा के बोलिएगा, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आप लोगों की अनुमति और आशीर्वाद हो तो हम दीदी को जीत का माला भेंट कर दें। अरे दोनों हाथ उठा के बोलिए।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।